दोस्तों सबसे पहले है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आई है तो उसमें भारत जो है वो दो पायदान नीचे खिसक गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत दो पायदान नीचे किसका? स्विट्जरलैंड टॉप पर कायम। प्रतिभाओं को आकर्षित, विकसित और उन्हें अपने यहाँ बनाए रखने के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग में इस बार गिरावट देखने को मिली है। बिजनेस स्कूल ऑफ स्विट्जरलैंड की वार्षिक वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत दो पायदान से फिसलकर 53 स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD ने ये सूची जारी की है। एशिया में सिंगापुर सूची में सबसे ऊपर है, वैश्विक सूची में वह 13वें स्थान पर है। इस सूची में प्रतिभाओं के विकास, उन्हें आकर्षित करने और अपने साथ जोड़े रखने के आधार पर 63 देशों की रैंकिंग की गई थी। चीन इस रैंकिंग में 39वें स्थान पर है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है उसमें जो भारत है वो दो पायदान नीचे खसक कर 53वें स्थान पर आ गया है, यानी कि पहले वो 91वें स्थान पर था और अब वो 53 यानी कि 53rd स्थान पर आ गया आउट ऑफ 63। इसके अंदर टोटल 63 नेशंस थे, टोटल 63 देश थे, जिसमें से वो कौन से स्थान पर आ गया, 53 स्थान पर आ गया है। तो ये तो थी इंडिया की बात। अगर हम देखते हैं कि इस टैलेंट रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पे कौन है, तो इस टैलेंट रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और वही अगर हम सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात करें, यानी सिर्फ एशियाई कंट्रीज की बात करें, तो जो सिंगापुर है वो इस सूची में सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो सिंगापुर का जो स्थान है वो कितना है, वो 13th यानी कि 13वां स्थान है, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं कि जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, पहली बात तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो कौन निकालता है, तो वो जो स्विट्जरलैंड का प्रमुख स्कूल बिजनेस स्कूल है IMD उसके द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में जो बिजनेस स्कूल है IMD उसके द्वारा ये सूची जारी की जाती है। तो इस सूची के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पर है वो कौन है, वो टैलेंट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर आता है वर्ल्ड रैंकिंग में। उसी के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत 53rd पोजिशन पे है, यानी कि 53 पोजीशन पे आता है वो, 63 देशों में से 53 स्थान पर वो इंडिया अपना आता है। उसी में अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज की जो वैश्विक सूची है उसमें सबसे टॉप पर कौन है, टॉप पर एशियन कंट्रीज में से सिंगापुर है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल जो सिंगापुर का पोजीशन है वो 13th पोजीशन है। वही चीन इस सूची में निचले 39वें स्थान पर है। और चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो उसके कौन से स्थान पर है, 39वें यानी कि 39th पोजीशन पर है। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हुई है 2018 की, उसके अंदर जो इंडिया है वो 53 पोजीशन पर है, सबसे टॉप पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है ओवरऑल रैंकिंग में। और अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में सिंगापुर जो है वो सबसे टॉप पर है और चीन 39th पोजीशन पर है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2018 गोवा के पणजी में शुरू हुआ। फेस्टिवल की थीम द जॉय ऑफ सिनेमा। इस बार लाइफ टाइम अवार्ड में इजराइल फिल्म निर्माता डॉन वॉलमैन को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा 49th यानी कि 49वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हमारे गोवा के कैपिटल पणजी के अंदर शुरू हो गया है, ठीक है। कहाँ हो रहा है वो, गोवा के जो कैपिटल है पणजी उसके अंदर शुरू हो गया है। आगे ये है कि जो फेस्टिवल है उसकी थीम क्या है, तो जो फेस्टिवल है उसकी थीम है द जॉय ऑफ सिनेमा। जी हाँ दोस्तों, जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं, जो भी समारोह वगैरह होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, उसमें से जो उनकी थीम है उस पर भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसकी जो थीम है वो क्या है, वो है द जॉय ऑफ सिनेमा।
इस बार लाइफ टाइम अवार्ड जो मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है? इसराइल के जो फिल्म डायरेक्टर हैं डॉन वॉलमैन, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिल रहा है इस बार? इसराइली फिल्म निर्माता डॉन वॉलमैन को। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हाल ही में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जीके के, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 2 दिवसीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जी हाँ दोस्तों, अभी जो रिसेंटली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अभी बनी है, जिसके अंदर जो फसलें हैं उनका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ये जो बीमा जो जारी की गई है, ये जो या फिर जो बनाया गया है, उसका आयोजन 2 दिवसीय समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। ठीक है, तो जो बेंगलुरु है वहाँ पे क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका समीक्षा सम्मेलन। आगे जो क्वेश्चन है वो है, 8वीं राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, अभी जो रिसेंटली राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन हुआ, पहली बात तो वो 8th था, यानी कि उसका 8th एडिशन था, पिछले 8 सालों से वो हो रहा है राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन, और इसका आयोजन कौन से शहर में हुआ? इसका आयोजन हुआ रांची में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पहला नेचुरोपैथी दिवस कब मनाया गया? तो अभी रिसेंटली ये दिवस मनाया गया है, ये इस साल से ही ये जो दिवस है उसकी घोषणा हुई है। ठीक है, नेचुरोपैथी 18 नवंबर 2018 को मनाया गया। ठीक है, और अब हर साल 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नया राजस्व सचिव किसे चुना गया? तो जो राजस्व सचिव है वो अजय भूषण पांडे को चुना गया है। अभी रिसेंटली जो नियुक्त किया गया है वो कौन है? अजय भूषण पांडे। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी हाल ही में बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा है कि जो ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 है उससे किसे सम्मानित किया गया? तो उसे सम्मानित किया गया डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी को। ठीक है, सरोज सुमन गुलाटी जो डॉक्टर हैं उनको ये जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल एजुकेशन लीडर्स अवार्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? अभी हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खत्म हुआ है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन बन गया है कि उसमें जो बेस्ट फिल्म है उसका अवार्ड किसको मिला है? तो उसमें जो बेस्ट फिल्म है उसको वो है द थर्ड वाइफ। जी हाँ, जो द थर्ड वाइफ जो मूवी है उसको बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया। किसके अंदर, कौन से समारोह में? वो दिया गया हमारे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान, जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड द थर्ड वाइफ को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये दिया है विश्व शौचालय दिवस, इससे कंफ्यूज ना हो, स्वच्छता दिवस और विश्व शौचालय दिवस से कंफ्यूज ना हो। विश्व शौचालय दिवस जो वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल का जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, वहीं हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता दिवस हमारे जो कैंपेन शुरू की है स्वच्छ भारत की, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया में इस ये कैंपेन लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, तब से ये जो स्वच्छ भारत दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। भारत और रूस के बीच इंद्र 2018 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं कि जो भारत है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, रूस, चीन, इंडोनेशिया, इन सब के साथ वो अपने युद्ध अभ्यास कर रहा है, उनकी आर्मी से कुछ गुर खुद सब सीख रहा है और अपने भी कुछ टैक्टिक्स शेयर कर रहा है। तो यही काफ़ी धर्मा, इंद्र, ये सब काफ़ी जो
अभ्यास हुए हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि भारत और रूस के बीच में कौन सा हुआ है। एक तो पहली बात तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंद्र 2018। भारत और रूस के बीच में जो अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंद्र 2018। ठीक है, और वो किस राज्य में लॉन्च किया गया, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च सॉरी आयोजन किया गया था, वो किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे भारत और चीन का जो था उसके लिए, उससे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है वो है भारत और रूस के बीच इंद्र 2018। पहला क्वेश्चन इसमें तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारत और रूस के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंद्र 2018, और वो किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। आगे है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आपको पता है कि भारत में पहले भी हुक्का बार जो है उनमें प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ठीक है, अभी काफ़ी हुक्का लॉन्च वगैरह बंद भी हो गए थे इसी के चलते। तो अभी रिसेंटली फिर से जो भारत में, भारत का जो एक राज्य है उसमें हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो प्रतिबंध कौन से राज्य में लगाया गया है, वो पंजाब जो है, हमारी पंजाब स्टेट है, उसके अंदर जो हुक्का पार्लर वगैरह है उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे दोस्तों आता है, भारत के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी एक विश्वविद्यालय बन रहे हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का जो विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसके अंदर स्किल के लिए काम होगा कि जिसकी जिसमें स्किल है वो, ये इंडिया का हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पहली बात तो यही है कि जो पहली विश्व, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि पहली हमारी जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है उसका नाम विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये हरियाणा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहला जो हमारा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है उसका नाम है श्री विश्वकर्मा विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय, और ये कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तो ये हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुग्ध क्षेत्र के किसान के लिए गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की। तो ये भी अभी काफ़ी करंट अफेयर में चल रहे था कि जो गौ समृद्धि प्लस स्कीम है वो केरल के अंदर जो दुग्ध क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है, केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारत का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। जो इंडसइंड बैंक है उसने हमारे जो इंडिया है उसका फर्स्ट इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हाल ही में। किसने किया, इंडसइंड बैंक ने। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टाटा।